नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ, और स्वागत है आपका अपने चैनल सनलाइन वाले में। दोस्तों, कई मित्रों की कई डीजे वाले दोस्त हमारे हैं, उनके बड़े कॉल आया कि यार ये जो आप सार्फी से यूज़ करते हो इसके बारे में यार हमें थोड़ी जानकारी दो। तो चलिए दोस्तों, खासकर ये ब्लॉग है हमारे डीजे वाले भाइयों के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने जो ये बॉक्स टाइप का आपको दिख रहा है, ये ATI कंपनी की तरफ से सार्फी जो लाइट जो आती है, ये देखिए जी, ये है सार्फी लाइट जिसके बारे में आज का ब्लॉग होने वाला है। सार्फी लाइट का नाम है, कंपनी का नाम है ATI प्रो, और वायु के नाम से 12R के नाम से ये सार्फी आती है। थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी आपको दे दें, जिसमें योरडेन का 260 वाट का एक लैंप आता है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, सार्फी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ATI कंपनी का जो है, ATI प्रो के नाम से जो कंपनी है, प्रोडक्ट इसका बहुत शानदार है। थोड़ी सी इसमें कुछ कमियां भी हैं, थोड़ी सी दिक्कत भी हमें आई, जैसे ये देख पा रहे हैं आप इस स्क्रीन पे। देखिए स्टिकर की क्वालिटी कुछ बहुत अच्छी नहीं, मतलब प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन स्टिकर की पैकिंग क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं। ये इसका कंट्रोलर है जिसे आप मैनुअली और टच दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बार बार कहीं ना चाहते हुए भी नज़र पड़ती है इसके स्टिकर पर, जो प्रोडक्ट की छवि को थोड़ा सा ख़राब करता है। एक कमी सबसे बड़ी मैं आपको ये बताऊंगा, ये स्टिकर तो मैंने आपको बता दिया, ये देखिए सारे स्टिकर इसके ऐसे ही है, आज ही हमने इसे ओपन किया है। देखिए सब तरीके से स्टिकर सब निकले हुए। खैर, मेन तो परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट में तो परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा है, कंपनी वाइज आइटम बहुत अच्छा है, वह थोड़ी हल्की फुल्की दिक्कत ये है, ये देखिए। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो ऐसा मिला है, बाकी शायद क्या पता आपके पास जो प्रोडक्ट आया उसका अच्छा हो। ये है जिसका लॉक सिस्टम, सिंगल लॉक के साथ ये सार्फी लाइट आती है। इससे पहले हम यूज़ कर रहे थे स्टैंड की लाइटें जिसमें डबल लॉक आता था, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा फीचर है कि इसमें एक सिंगल लॉक आता है। दोस्तों, सिंगल लॉक इसलिए भी ज़्यादा अच्छा है, पहले जो लाइट में डबल लॉक आता था, कई बार क्या होता था हमारे लड़के जो हैं वो लॉक खोलना भूल जाते थे, फिर बाद में बड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए कहीं ना कहीं एक लॉक की सुविधा अच्छी चीज़ है। इस तरीके से दोस्तों इसे इंस्टॉल करते हैं सार्फी लाइट को, और ये आपको मेरे हाथ में जो ये वायर दिख रही है, ये है सेफ्टी वायर। कभी किसी वजह से अगर आप लॉक लगाना भूल जाए तो सेफ्टी वायर काफ़ी कारगर चीज़ है, और किसी हादसे से आपको बचाने में काफ़ी कारगर है। इन लाइटों के साथ, दो लाइटों के साथ दो सेफ्टी वायर आती है। कहीं ना कहीं मैं अगर इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँ तो अगर दो दो सेफ्टी वायर, मतलब एक एक सेफ्टी वायर और एक्स्ट्रा होती तो शायद और अच्छा था। बाकी एक वायर भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग वायर है। ये साइड में आपको दिख रहा है मिरर बॉल, जो कि सार्फी के साथ मिलके बड़े अच्छे इफेक्ट देता है हमें, बड़े शानदार व्यू मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से बड़े संभल के इसे इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि किसी को कोई इंजरी ना हो और लाइटें वायर सुरक्षित है। सेफ्टी वायर हमने लगा दी है, ये देखिए। अब इसके दिखाएंगे आपको थोड़े फंक्शन। ATI प्रो की बैजिंग आपकी स्क्रीन पे। ATI प्रो जो कंपनी है, ये बेसिकली इटली की कंपनी है। 260 वाट 12R की बैजिंग, 260 वाट का लैम्प जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और 12R इसका मॉडल नंबर है जो वायु के नाम से आता है। ये इसका कंट्रोल जिसमें आप देख रहे हो, पावर आउट, पावर इन, पावर बटन, पावर बटन के बिल्कुल ऊपर फ्यूज़ और DMX इन आउट की सुविधा, इस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाता है। और ये इस तरीके के कुछ मिलते हैं जी हमें इफ़ेक्ट मिरर बॉल के साथ, तो ये कुछ बहुत ही शानदार हो जाता है। तो दोस्तों, दिखाते हैं आपको किस तरीके के इसमें इफ़ेक्ट मिलते हैं आपको, किस तरीके की लाइटिंग आती है। लाइटिंग का आप आनंद लेते हुए, इन इफ़ेक्ट का आनंद लेते रहिए, वीडियो में बने रहें। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बड़ी, इसमें एक मुझे गंभीर समस्या लगी। प्रोडक्ट तो कोई डाउट वाली बात नहीं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पर दोस्तों इसमें एक डाउट मुझे लगा, एक बड़ी समस्या मेरे सामने आ गई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक आप देखिए किस प्रकार के इसमें इफ़ेक्ट आते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, ATI प्रो की ये सार्फी लाइट लेने का हमारा मन, लगभग हमने 3-4 महीने इसमें बड़े लेने की से कोशिश करी। लेने की कोशिश का मतलब मेरा ये है कि हमने बड़े प्रयास किए कि ये कहाँ से ली जाए, क्या कुछ किया जाए,
गूगल में नंबर निकालने की कोशिश करी, ये देखिए मिरर बॉल के साथ कितना प्यारा इसका इफेक्ट आ रहा है दोस्तों। तो चलिए वापस आते मुद्दे पे, बड़ी प्रयास किए कि कहाँ से ली जाए जी, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है। गूगल पे नंबर भी उपलब्ध हुआ ATI प्रो का, दिल्ली में एक डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, एक दो बार उनसे बात हुई, उसके बाद कुछ संतोषजनक जवाब हमें वहाँ से मिला नहीं। उसके बाद हमने सोचा चलो यार किसी और कंपनी की लाइट लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में था कि ATI प्रो की ही लाइट लें। तो उसके लिए हमने संदीप जी हैं एक सहारनपुर में, जो भाई DJ वगैरह का जो काम करते हैं वो जानते होंगे संदीप जी को। तो जी संदीप जी के यहाँ से हमें बात हमारी हुई दीपांश जी से, और यकीन मानिए दोस्तों संदीप भाई और दीपांश भाई ने हमारा बड़ा सहयोग किया। और आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे दोस्तों कि जिस लाइट को मंगाने के लिए लगभग हमने 3-4 महीने बड़े प्रयास किए, बड़े प्रयत्न किए, दिल्ली भी विजिट करा एक बार, लेकिन वो हमें लाइट नहीं मिली। और संदीप भाई ने, दीपांश भाई ने, आप यकीन मानिए दोस्तों सेम डे ये लाइट हमें उपलब्ध कराई। उसके लिए हम संदीप जी और दीपांश जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। दोस्तों ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी ना रेंज दिखाने की कोशिश करूंगा, कितनी अच्छी रेंज है इस लाइट की। ये देखिए थोड़ा कोहरा भी लगा है और कैमरे में जितना रिकॉर्ड हो सकता है दोस्तों, आँखों से देखने में और कैमरे से देखने में बहुत फ़र्क है। अब देखिए शायद आपको इसका एक आइडिया हो पाए कि कितनी अच्छी लाइटिंग है, कितनी अच्छी इसकी रेंज है। ये देखिए एक समस्या भी आएगी अभी इसमें, उसके बारे में वीडियो के अंत में जरूर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक देखिए ये देखिए, मैं थोड़ा सा ये देखिए रेंज देख पा रहे होंगे आप, बहुत ही बेहतरीन रेंज। ये अभी हम अपने होम स्टे से थोड़ा दूर गए हैं, पहाड़ के ऊपर हम चढ़े हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम इसमें वीडियो में, तो इस जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका थोड़ा ध्यान रखते हुए ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि किसी और को भी जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हमें इस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाने के लिए हौसला मिलता रहे। ये देखिए कुछ इस तरीके का, ये देखिए कितना लाजवाब, क्या लाइटिंग है, क्या रेंज है। कैमरा तो मैं बता नहीं सकता कि कितना इसे रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप इसे खुली आंखों से जब इसे देखेंगे सार्फी लाइट को, तो आपके जो गेस्ट होंगे उनको भी मज़ा आ जाएगा इस लाइट के साथ। और आपके प्रोग्राम में 4 चांद लगाने की ये क्षमता रखती है लाइट। ये देखिए थोड़ा सा इसे और जूम करके देखेंगे, ये देखिए कितना भव्य नज़ारा। ये देखिए भव्य लाइटिंग जो किसी भी पार्टी में 4 चांद लगाने के काबिल। थोड़ा सा जूम मैं अपनी तरफ करना चाहूँगा, ये देखिए ये हमने होटल से थोड़ा सा आगे जा रखे, पहाड़ के ऊपर चढ़ के वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे लाइटिंग बहुत अच्छी है। कुछ शॉट्स फिर लिए हमने इसके पास से, ये देखिए ATI प्रो 12R वायु रेंज देख पा रहे हैं दोस्तों, कितनी शानदार। और अब इसमें डालें थोड़े कलर, ये है जी इसके कलर इफेक्ट दोस्तों। लाइटिंग बहुत अच्छा, कलर बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट ATI प्रो की तरफ से। चलिए दोस्तों अब जिक्र करते हैं उस समस्या का जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी समस्या आई। हो सकता है समस्या मुझे ही आ रही हो, आपको ना आए, और अगर इस समस्या के बारे में आपको पता हो तो दोस्तों हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों ये है वो समस्या, जैसे कि आप देख रहे हो लाइट स्विच जो हमने इसे ऑन किया प्रोग्राम में, जैसे चलते हुए हमने इसे ऑन कर देते हैं, पावर कट हो गया, पावर सप्लाई मैंने बंद की है। जैसे दोबारा पावर आती है, पावर ऑन होती है, पावर ऑन होने के बाद लैंप मिलता है जी ऑफ। तो ये बड़ी समस्या है, अगर लाइट आपने रखी है, सार्फी रखी है आपने अपने पास, तब तो आप उसे सही कर लेंगे, लेकिन सपोज कीजिए कि सार्फी आपकी हैंग हो रखी है ट्रस्ट में, तो तब बड़ी समस्या हो जाती है दोस्तों कि लड़के को ऊपर ट्रस्ट में चढ़ाओ और तब इसे ऑन करो, जो काफ़ी रिस्की है। अगर आपके पास इस समस्या का समाधान है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। इस ब्लॉग को अब यहीं अंत करते हैं, इन्हीं विजुअल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। निवेदन रहेगा अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं इस ब्लॉग को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।